पीएम के बारे में इतना कहेंगे कि बहुत सा अच्छा है और हम सबको सुविधा सब चीज के दे रहे हैं और जीविका तरफ से हम सब आए हैं। जीविका तरफ से जब से हम सब जीविका से जुटे हैं जीविका में, तब से हर चीज का सुविधा है। ऋण भी लेन देन भी बढ़िया होता है। ऋण लेने के लिए किसी दूसरे में नहीं जाने पड़ता है, मतलब अपने में ऋण लेते देते हैं, अच्छा से जीविका चल रहा है। हाँ, पहले तो घर से कोई बाहर होने भी नहीं देते थे महिला सबको, और अब इतना सुविधा दे दिए हैं मोदी नरेंद्र मोदी कि अब सब महिला आगे बढ़ रहे हैं, घर से निकलने को मौका भी मिलता है, घर का सारा अधिक करके फिर बाहर में भी काम हम सबको हो गया है, मिल रहा है, कर रहे हैं। सूचना मिला है, मतलब शौचालय भी मिला है और सब चीज मिला है उनको आने के बाद। आज हम लोग यही बोलना चाहेंगे सर कि पहले के जमाने में हम लोग को महिला लोग को घर से बाहर निकलना ही निकलने के लिए मिलता था, और ना ही तो दीदी लोग कहीं अपना नाम तक बताना नहीं चाहती थी, ना ही तो उसको बताने के लिए आता था। और आज प्रधानमंत्री का ही देन है जो हम लोग इतना दूर तक उनके स्वागत के लिए पहुँचे हैं, और जितना जीविका में हम लोग को जितना मतलब फ़ायदा मिल रहा है दीदी लोग को कि अच्छी तरह से अपना नाम बताना और घर से मतलब निकलना, और मतलब बहुत ऐसा सारा सुविधाएं है जो कि हम लोग को मिल रहा है, ठीक है ना। और क्या कि जहाँ जिस समय हम लोग को कोई ज़रूरत पड़ता था, अगर बच्चा बीमार हो गया या फिर हम ही लोग को कोई तरह का कमी होता था, तो उस समय में आदमी पूरी तरह से मतलब भौंक जाता था कि अब हम जाएं किधर। और जीविका हम लोग को इतना दूर तक आगे बढ़ा दिए हैं कि एक रुपया मतलब 5 रुपया की जगह पे हमको 1 रुपया में ही मिल रहा है फायदा, और क्या कि अच्छी तरह से हम लोग काम भी कर पा रहे हैं। और जीविका में जुड़ने के बाद हम लोग को रोजगार भी मिल गया, बहुत ऐसे महिला जो कि CM, बैंक मित्रा, CC, बहुत ऐसे हैं जो कि मतलब उनको काम भी मिल गया है। और हम तो यही बोलना चाहेंगे हम लोग के लिए मोदी जी बहुत कुछ किए हैं, और किसान लोग के लिए देखिए अभी हर ब्लॉक में गेहूं चना बहुत ऐसा मतलब राशन मिल रहा है खेत में लगाने के लिए, और किसान लोग को मिला हर साल में मतलब 6,000 मिल रहा है रुपया की। आप लोग किसान हैं तो अच्छी तरह से खेती कीजिए और अच्छी तरह से अपने परिवार को आगे बढ़ाइए। बहुत बड़ी उपलब्धि है सर, क्योंकि हम लोग को महिलाओं को घर से मतलब निकल के और जाना पड़ता था, लेकिन अब ऐसे मतलब इनका देना जो कि जीविका के द्वारा हम लोग को शौचालय भी मिल गया, बहुत ऐसे दीदी को मिला जो कि उनको घर से निकलना नहीं पड़ रहा। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि उनका बहुत बहुत धन्यवाद है जो कि आज उनका ही दिन से हम लोग उनके स्वागत के लिए यहाँ तक पहुँच चुके हैं। हम लोग को बहुत सुविधा मिला है, हम लोग कर्ज लेने के लिए दूसरा यहाँ जाते थे, लेकिन जब से मेरे प्रधानमंत्री जब जीविका अथी करवा दिए हैं, जब से हम लोग कर्ज ही ग्रुप से लेते हैं, देते हैं, लेन देन करते हैं। हम लोग 10 रुपये मैंने जमा करते हैं और उसके बाद में फिर हम लोग कर्ज लेते हैं, कर्ज लेके फिर वापस करते हैं, 1 रुपया ब्याज लगता है। हाँ, पहले तो लेना पड़ता था सर, पहले 5 रुपया सैकड़ा मिलता था कर्ज, अब लोग हम लोग का सुविधा हो गया कि 1 रुपया मिलता है, राशन ये भी मिलता है, बच्चा लोग को स्कूल जाता है पढ़ने के लिए तो पैसा देते हैं, छात्रवृत्ति मिलता है, कॉपी किताब सब को सुविधा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रधानमंत्री को कि हम लोग तो घर से बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन हम लोग प्रधानमंत्री हम लोग को यहाँ तक पहुँचा दिए हैं कि हम लोग आए हैं प्रधानमंत्री को देखने के लिए, कभी तो देखे थे नहीं, लेकिन हम लोग का यही खुशी है कि दूर से चलकर आए हैं प्रधानमंत्री को देखने के लिए। 12 समूह में देख रेख का काम करती हूँ लिखा पढ़ी का, उसमें दीदी लोग आती है, बचत करती है और लोन लेती हैं, देती हैं, जिसमें कि दुकान भी खुलाया जाता है दीदी लोग को, ऑटो दिलाया गया है बिजनेस करने के लिए दीदी को, और दीदी का पति को भी बिजनेस करने के लिए पैसा दिया जाता है, लोन चलता है इसी से। हाँ, बदलाव तो है, अब साहूकार से पैसा नहीं लेते हैं, अब जो है ग्रुप से ही पैसा लेते हैं, इससे कि है ब्याज बहुत कम परसेंट है, मतलब 1 रुपया ब्याज पर पैसा मिलता है, उसी से दीदी लोग लेके
अपना दुकान खोलती है, अपना और कुछ जो बिजनेस होता है वो करती है दीदी लोग। जैसे पहले महिला लोग साइन भी नहीं कर सकती थी, अब महिला लोग अपने से बैंक जाती है, निकासी करवाती है, वो सब बदला है। जो महिला की कोई बाहर नहीं निकलती थी, वो समूह जाती है, बैंक जाती है, बैंक से निकासी करवाती है, अपने से खुद जाके साइन करती है, बोलने के लिए सीखी है दीदी लोग। हाँ, अभी तो घर घर शौचालय हो गया है, घर घर शौचालय, इंदिरा आवास, ये सब तो हो गया है, सबका घर घर तो हुआ है।